अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो ये 3.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना वो मैंने आज सॉल्व करना है, जिसमें वो कहता था लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ क्वेश्चन को और मैं आपको बताता हूँ इसने इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो उसको कहता है कि जी द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 मीटर। ठीक है, वो कहता है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 मीटर, ठीक है, ग्रेटर देन इट्स विर्थ, यानी कि इसकी विर्थ से ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन इट्स विर्थ इफ द एरिया ऑफ द रूम इज 180, एरिया जो है वो है 180। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ जो होती है ना वो विर्थ ही होती है। ठीक है, विर्थ चौड़ाई, ठीक है, लेंथ जो होती है वो ऊंचाई होती है, हाइट। ठीक है, तो क्या कहता था, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 मीटर, ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि अगर मैं गौर से इसकी बात पढ़ता हूँ तो इसने मुझे क्या कहा है, ये मुझे कहता है कि द लेंथ ऑफ द रूम इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी कि जो इसकी ब्रेथ है उससे ग्रेटर है 3 मीटर, यानी कि ये मेरी इक्वेशन बन गई 1। अगर मैं उसकी बात ही पढ़ूँ ना गौर से तो वो मुझे समझ आ जाती है। वो कहता है द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 मीटर, दैट इज ग्रेटर देन ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से 3 फिट ज़्यादा उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये मैंने बना दी इक्वेशन 1। उसके बाद मैंने एरिया का फॉर्मूला जो है ना, एरिया का फॉर्मूला वो मैंने बार बार बताया हुआ है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं एरिया मेरे पास है 180 इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ की जो है ना वो मेरे पास जो वैल्यू है बी प्लस थ्री, तो मैं लेंथ की जगह मैंने लिख दिया बी प्लस थ्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैंने क्या किया, इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी स्क्वेयर, प्लस इसको इसके साथ किया तो ये आ गया 3b इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये इधर है जमा का, ये उधर आके हो जाएगा माइनस का, बी स्क्वेयर प्लस 3b माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन से मैं इसका पहाड़ा यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे 1 है तो पहाड़ा पढ़ा तो ये आ गया 180। ठीक है, अब मैंने कोई ऐसे दो पहाड़े पढ़ने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और जमा माइनस करने से जो है ना वो जमा का 3 आए, तो ऐसा जो पहाड़ा है वो है 15 जरब 12, 15 को 12 से जरब करूंगा तो 80 आता है। ठीक है, और अगर 15 में से माइनस करता हूँ 12 तो ये आता है जमा का 3, तो मल्टीप्लाई वाली शर्त भी पूरी हो गई और जमा माइनस वाली शर्त भी पूरी हो गई। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा b। ठीक है, तो b b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक b रह जाएगा जमा। ठीक है, ये x नहीं है, ये b है और ये भी b है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल b लिया हुआ है तो x हमने वेरिएबल ही नहीं लिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब जब इसके साथ b डिवाइड होगा तो b b के साथ कट जाएगा, बाकी 15 रह जाएगा इंटू, अच्छा अब इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा माइनस का 12। ठीक है, ये माइनस की अलामत याद रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा अब ये 12 को जब 12 बीस पे डिवाइड करूँगा तो 12 12 से कट जाएगा, बाकी बी रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, और 12 को 180 पे मैं तकसीम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बाहर अलामत है माइनस की, तो ये अंदर की जो अलामत होगी इसको चेंज कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगा 12 बी माइनस 12 और एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मज़ीद मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स जमा 15 इज इक्वल टू 0, ये एक्स इधर जाके जमा का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो आंसर आ गए हैं, बी एक आंसर आ गया। ठीक है, ये
बी है, ये भी बी है, एक्स की आदत पड़ी हुई है ना, अब सारे सवालों में एक्स ही हमने यूज़ किया तो एक्स लिखने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बी वेरिएबल मैंने लिया हुआ है इसमें, तो एक बी की वैल्यू जो है वो माइनस का 15 आ गई है, और एक की वैल्यू जो है वो जमा का 12 आ गई है। ठीक है, तो जो माइनस की अलामत है, माइनस वाली, इसको तो हम कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेरे पास जो ये एल का फॉर्मूला है लेंथ, तो मैं इसको लिखूंगा लेंथ इज इक्वल टू बी की वैल्यू 12 जमा 3। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास जो है वो आ जाएगी 15। ठीक है, लेंथ मेरे पास आ गई 15। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब इसका आंसर हमने कैसे लिखना है, इसका आंसर हमने इस तरह लिखना है कि लेंथ की वैल्यू आ गई 15, ठीक है, और ब्रेथ की जो वैल्यू आई है वो है 12। ठीक है, ये तो -15 वाला नॉट पॉसिबल है, ये खत्म हो जाएगा। ये बी की ब्रेथ की वैल्यू आ गई, यानी कि विड्थ की वैल्यू आ गई, और ये लेंथ की वैल्यू, ये यही हमारे आंसर हैं जो हमने मालूम करने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक जुज आपको खुद करवाऊंगा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप खुद करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, मिलता जुलता है ऑलमोस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ था कि सारे क्वेश्चन मैं ही आपको करवाऊंगा, नहीं कहूंगा कि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो अब खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये है, जिसमें वो कहता है फाइंड द टू नंबर्स विद द सम इक्वल ऑफ 16 एंड प्रोडक्ट इज 60। ठीक है, तो जो सम होता है उसका साइन होता है प्लस, और जो प्रोडक्ट होता है, सम जो होता है वो उसका साइन होता है प्लस, और जो प्रोडक्ट होता है उसका आंसर होता है, उसका यानी कि साइन होता है मल्टीप्लाई। तो वो कहता है कि दो नंबर है उनका जो सम है, दो नंबर जो है उनका जो सम है वो है 16। उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है, ये बन गई मेरे पास 1। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि जी फाइंड टू नंबर्स विद द सम, विद द सम ऑफ इक्वल टू 16, सम और अगर उन्हीं का प्रोडक्ट लेता हूं, यानी अगर एक्स को मल्टीप्लाई बाय वाई करता हूं, प्रोडक्ट लेता हूं, तो फिर उनका जो आंसर आता है वो 60 आता है। ठीक है, फिर आंसर क्या आता है, 16 आता है। तो वो कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स, यानी कि एक्स भी मालूम करना है और वाई भी मालूम करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने किया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ पे मैंने किया एक्स इज इक्वल टू 16, ये इधर जमा कर दो जाके माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स है इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया 16 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 60। अब ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 16 वाई, और ये प्लस माइनस माइनस, और वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 60। अब ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वेयर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखने लगा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, स्क्वेयर वाली वैल्यू पहले होती है, फिर जिसकी 1 होती है पावर वाई 1 वो बाद में आएगा, और उसके बाद जो नंबर होगा वो आता है। ठीक है, जमा का 16 वाई, ये तो जमा का, ये तो जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये अगर शुरू में माइनस होना तो बाकी इक्वेशन की अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो वाई स्क्वेयर माइनस 16 वाई जमा 60 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 16 वाई प्लस 60। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी मैंने करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, ये जो 1 है तो मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। ठीक है, अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है वो 60 आए, और जमा माइनस करने से जो है ना वो -16 आए। ठीक है, ये वाला -16, तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है, ये ऐसा पहाड़ा है ऐसा पहाड़ा होगा अगर मैं करता हूं 10 ज़रब 6। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। ठीक है, अगर मैं करता हूँ माइनस का 10 माइनस का 6, तो ये बन जाएगा -16। तो ये वाली शर्त भी पूरी हो गई, ये वाली शर्त भी पूरी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का 10 वाई
माइनस का 6y जमा का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मजीद मैंने क्या करना है, मजीद मैंने ये करना है इसमें मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, इसमें कॉमन लूंगा और इसमें कॉमन लूंगा, इसमें कॉमन लूंगा तो वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई के साथ एक वाई खत्म हो जाएगा, बाकी वाई रह जाएगा माइनस, ये वाई के साथ वाई खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, इधर से कॉमन आएगा माइनस का 6, ठीक है, जब 6 को 6 पे करूंगा तो 6 6 के साथ कट जाएगा, बाकी वाई आ जाएगा, ये अलामत माइनस की है तो ये साइन यहाँ पे जमा से माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 को इस पे करूंगा तकसीम तो 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 6 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा वाई माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जमा का 6 और वाई इज इक्वल टू जमा का 10, ठीक है, तो वाई की पार्ट वाई की जो वैल्यू है वो एक मेरे पास आ गई 10, ठीक है, और दूसरी मेरे पास आ गई 6, ठीक है, दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है कि मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ एक्स की वैल्यू मालूम, तो मैंने किया एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस वाई की वैल्यू मैंने ली पहले 6, ठीक है, वाई की वैल्यू 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा करता हूँ, ठीक है, ये आ गई 10, इसी तरह दूसरा करके देख लें, एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास है 10, ठीक है, ये है 16 माइनस वाई मैंने मालूम करना है, ठीक है, तो ये जमा का ये तो जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का वाई, ये आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस माइनस से कर जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, तो वाई की वैल्यू आ गई 6 और एक्स की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, जो हमने मालूम करना था, एक्स की वैल्यू भी निकल गई है, वाई की वैल्यू भी निकल गई है, तो गाइज ये हमारा 17 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहता है फाइंड थ्री कंजेक्टिव नंबर्स, द सम ऑफ हुज स्क्वेयर, यानी कि तीन नंबर कंजेक्टिव नंबर लेने हैं, उनका पहले सम करना है और फिर उनका स्क्वेयर लेना है, वो इज इक्वल टू होगा 302 के, तो आइए इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला जो मैंने नंबर लिया है वो है एक्स, दूसरा जो लिया है वो है एक्स प्लस वन, और जो तीसरा नंबर लिया है वो है एक्स प्लस टू, ठीक है, यानी कि तीन नंबर मैंने ले लिए हैं, एक्स प्लस वन पहला नंबर एक्स है, फिर एक्स प्लस वन है, फिर एक्स प्लस टू है, वो कहता है इन इनका इनको इनका लेना है, इनका सम लेना है, ठीक है, फिर इनका करना है स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर किया, इसका स्क्वेयर किया, इसका स्क्वेयर किया, और ये इक्वल है 302 के, ठीक है, ये सारी बात उसने क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी, आ जाएगी क्या कहता है, मैं दोबारा पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप क्वेश्चन की तरफ देखें और मेरी आवाज़ सुने, कहता है कि फाइंड थ्री कंजेक्टिव नंबर, फाइंड थ्री कंजेक्टिव नंबर, मैंने लिखा पहला नंबर एक्स है, दूसरा एक्स जमा वन है और तीसरा एक्स जमा टू है, ठीक है, फिर वो कहता है मेंबर्स नंबर्स द सम ऑफ हुज, के उनको सम करो, हुज स्क्वेयर, उनका सम करके उनके उनके स्क्वेयर करके जो आंसर वो जिसके इक्वल होगा वो होगा 302, तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, उसके बाद मैंने इनकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू निकलेगी वो मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा और इसमें पुट करूंगा, मेरी वैल्यू निकलेगी, तो आइए पहले इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया ये बन गया एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू फॉर्मूले का, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वन, ठीक है, ये बिल्कुल वही है, ए प्लस बी का स्क्वेयर ओपन करना, ठीक है, तो ये आता है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस दो फॉर्मूले का ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये मैं इनके स्क्वेयर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद ये प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू इज इक्वल टू 302,
दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2 ज़रब 2 4 एक्स इज इक्वल टू 302, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक दो और तीन, ये हो गया 3x स्क्वेयर प्लस 2 और 4 6 हो गया 6x, ठीक है। एक और 4 5 हो गया, जमा 5 इज इक्वल टू 302, यानी कि मेरे पास इनको मैंने सिंपली मैंने इनको जमा किया है, तो जमा करने से मेरे पास क्या आया 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद ये इधर जमा का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 और माइनस का 302 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6x और ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 297 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इनको जो है ना वो इनमें कॉमन ले लेता हूँ 3। अगर मैं इनमें कॉमन लेता हूँ ना 3, तो ये यानी कि 3 कॉमन लेने का मतलब होता है इस पे डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया और इसको इस पे डिवाइड किया। ये लिखना नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये होता किस तरह से है। ये 3 जब वो इसके साथ हो गए, 3 के 3 के साथ 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा जमा का 2x, इसको आप इस पे करोगे तकसीम तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 99 इज इक्वल टू 0। ये लिखना नहीं है आपने, ठीक है, पेपर में इसको, ये रफ हमला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन लेके वर्किंग किस तरह करते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ये जो कॉमन लेते हैं ना उसको अंदर सबके ऊपर तकसीम करते हैं, ठीक है। तो ये 99 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं फैक्टराइजेशन ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 99 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है। अगर मैं 99 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 99 को मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 1 रह जाएगा, ठीक है, ये 3 3 के साथ कट जाएगा। 99 को यहाँ पे 1 है, 99 को मैंने इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 99, ठीक है। 99 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो 99 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना अगर, तो मेरे पास 99 आए, और अगर प्लस माइनस करूं तो मेरे पास जमा का 2 आए। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है, ऐसा पहाड़ा है अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ 9 को ज़रब करता हूँ 11 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा नहीं नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ जमा का 9 करता हूँ माइनस का, ठीक है, माइनस का करता हूँ 9 और जमा करता हूँ 11, तो ये मेरे पास आ जाएगा जमा का 2। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 11x माइनस का 99 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन लूंगा और इसमें कॉमन लूंगा, इसमें कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x, अंदर रह जाएगा x लिया ना, तो इस पे x को डिवाइड करूंगा, इस पे भी x को डिवाइड करूंगा, इस पे x को डिवाइड किया तो एक x रह गया, इस पे किया तो ये एक x कट गया, माइनस का 9 आ गया, ठीक है। ये रफ अमल समझाने के लिए इसको करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 11, इसको 11 पे करूंगा तो 11 11 से कट देगा, एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे इसको 11 पे करूंगा 11, ठीक है, माइनस ये 9 कर देगा, ये 9 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये तो माइनस में है, इसकी तो हम वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर थे वो ये थे, पहला नंबर था एक्स, दूसरा नंबर था एक्स प्लस 1 और तीसरा नंबर था एक्स प्लस 2। तो जो मेरे पास पहला नंबर है वो 9 ही आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास जो नंबर है दूसरा एक्स प्लस 2, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू है 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उसके बाद एक्स प्लस 2 है, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये पे मेरे पास आ जाएगा,
ये मैंने इससे किया वर्किंग, ठीक है। इसी तरह माइनस इलेवन से भी आपने वर्किंग करनी है। माइनस इलेवन से वर्किंग करता हूँ तो एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस इलेवन, एक्स प्लस वन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस का 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। और ये माइनस का 9 आ जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह भी वर्किंग कर लो, उस तरह भी वर्किंग कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा हो गया है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कह रहा है फाइंड द नंबर विच इज एडेड टू एक्स एंड 8। फाइंड द नंबर, क्या कहा उसने? फाइंड द नंबर, नंबर मैंने कहा एक्स है। उसने कहा कि इसके अंदर 6 को भी ऐड किया है, ठीक है, एक नंबर ये हो गया, और इसके अंदर 8 को भी ऐड किया है। वो कहता है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करो। और कहता है कि नंबर के अंदर 6 को ऐड किया और 8 को ऐड किया, ठीक है, और उसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया ना, तो उसका जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का होता है मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट आया 288। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, लेकिन इसकी जो फैक्टराइजेशन है ना वो आप खुद करोगे। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वेयर, एक्स को 8 के साथ किया प्लस आ गया 8x, ठीक है। फिर 6 को इसके साथ किया तो ये आ गया 6x, और जब 6 को 8 के साथ किया मल्टीप्लाई, 6 48 आ गया, ठीक है, जमा का 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वेयर आ गया, 8 और 6 14, जमा 14x जमा 48 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर जमा 14x जमा 48, ठीक है। ये इक्वल किसके था? 288 के, 288 के, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर जमा 14x जमा का 48, ये जमा का इधर आके माइनस का 288 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जमा का 14x, इसको इसमें से जमा जमा का लिखें 48 कैलकुलेटर पे और उसमें माइनस कर दें 288, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 240। फैक्टराइजेशन करनी है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। अब 240 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि उसको जमा माइनस करने से 14 आए, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना 24 के साथ, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। और अगर मैं करता हूं 10 और 24, 24 में रखता हूं जमा का और उसमें से माइनस 10 करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जमा का 14, ठीक है। तो ये ऐसा पहाड़ा है जिससे दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 10x जमा का 24x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कॉमन आएगा और इसमें कॉमन आएगा, ठीक है। इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 10 जमा, इसमें आ जाएगा 40 कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस, ठीक है। 240 को मैं अगर तकसीम करता हूँ 24 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स प्लस 24 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल माइनस का 24 और ये हो जाएगा जमा का 10। तो एक मेरे पास आ गया माइनस का 24 और दूसरा आ गया मेरे पास जमा का 10। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि 10 और 24, इसको मैं लिख दूंगा 10 माइनस का 24, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 रह गए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें मैं इंशाल्लाह ये हमारी जो 3.3 एक्सरसाइज है ना इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलें फिर अब करते हैं आखिरी 3 क्वेश्चन, रेडी है ना?